लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कथित महागठबंधन की हवा क्या निकली। चुनाव के बाद फिर सब अपने अपने रास्ते पर निकल गए। हार की हताशा में राजनीतिक दलों का वो समूह बिखरता जा रहा है जो चुनाव तक एकजुटता का दिखावा किया करता था। कहीं विरोधी दल के नेता बीजेपी में चले जा रहे हैं तो कहीं आपस में ही उलझे हुए हैं और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। यूपी से लेकर तेलंगाना तक में विपक्षी दलों के भीतर रार मची है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव नतीजों के 10 दिन के भीतर ही बुआ बबुआ का गठबंधन टूट गया। दोनों को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन मोदी के नाम के आगे सब ध्वस्त हो गए। जातिगत वोट को लेकर दोनों दल आपस में भिड़ गए। जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ, वही बिहार में भी। हार के बाद महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस विद्रोही बन गई है और मांझी नीतीश के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। तीसरा राज्य पंजाब है, जहां कांग्रेस खुद में ही उलझी है। कैप्टन और सिद्धू की सियासी लड़ाई अब सबके सामने है। इन दोनों नेताओं के झगड़े से राहुल भी परेशान है। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान का भी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत बाहर तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी सियासी नफरत भरी है, ये कभी कभी सामने आ ही जाता है। पांचवा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां भी कांग्रेस अंदरूनी कलह से गर्त में जा रही है। कमलनाथ के नेतृत्व पर घर के अंदर से ही सवाल उठते हैं। इशारा यह होता है कि कमलनाथ ने भी सिर्फ बेटे की सीट पर ही फोकस किया और बाकी सीट राम भरोसे छोड़ दी। हालात तो ये हैं कि कब कांग्रेस की सरकार चली जाए कहा नहीं जा सकता। राज्य दर राज्य कमोवेश यही हाल है। कर्नाटक में भी पार्टी के अंदर टूट की स्थिति नजर आती है। खबर है कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस के लिए मुसीबत के लिए जो सातवां राज्य है वो तेलंगाना है। यहाँ हाल ही में कांग्रेस के 12 विधायकों ने टीआरएस में जाने का फैसला कर लिया। मतलब ये कि राहुल गांधी भी अपने विधायकों को रोक नहीं पाए और पार्टी की स्थिति राज्य में और ज्यादा खराब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।